नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। टीकमगढ़, भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भाजपा के बयान को लेकर दिया ज्ञापन। रामदयाल अहिरवार जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इसी को लेकर SC ST के लोगों में रोष है और उन्होंने मांग की है कि भारतीय संविधान से जो शपथ दिलाई थी उसके विपरीत बयान गई है, उसके विपरीत बयान देना आपकी मानसिकता को उजागर करता है। और उन्होंने मांग की है कि संविधान के खिलाफ बयान देना, ऐसे सांसद को तत्काल बर्खास्त किया जाए। इसी को लेकर पंकज अहिरवार प्रदेश उपाध्यक्ष अनुजाति विभाग के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रोष व्यक्त किया है। ज्ञापन देने वालों में रवि अहिरवार, दीपक अहिरवार, दिनेश अहिरवार, घनश्याम अहिरवार, शिवलाल अहिरवार, अनुसूचित जाति कांग्रेस के कई पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सर, आपका नाम क्या है? पंकज अहिरवार, कांग्रेस से SC डिपार्टमेंट से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी सर, आप किस चीज़ के बारे में यहाँ ज्ञापन देने आए हो? आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया है कलेक्टर के माध्यम से। तो जो भोपाल की सांसद हैं सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, उन्होंने 13 तारीख को एक कार्यक्रम के माध्यम से जो अनुसूचित जाति के लोगों पर गलत तरीके से बयानबाजी की है, उसमें सारे अनुसूचित जाति के लोगों में एक आक्रोश है और हम सभी उसकी निंदा करते हैं कि इस संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी इस प्रकार की सोच रखती हैं। और इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने ये मांग की है कि उनकी जो सदस्यता है सांसद जी की वो ख़त्म की जाए और उन पर संवैधानिक जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। जी सर। टीकमगढ़ से समय जगत के लिए परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।